आप सभी ने अंडे तो जरूर देखे होंगे, पर क्या आपने अलग अलग प्रकार के अंडे देखे हैं? अलग अलग प्रकार के अंडों से मेरा मतलब ये था कि आप लोगों ने अपनी आम जिंदगी में तो उजले कलर का ही अंडा देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि हरे रंग का अंडा, नीला रंग का अंडा और अलग अलग किस्म का अंडा भी होता है। तो आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसा ही अतरंगी और खूबसूरत दिखने वाले अंडों के बारे में। तो स्वागत है आपका M2 एडवेंचर में, जो आपको ले जाती हैं एक अलग ही दुनिया में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे ही अलग अलग प्रकार के अतरंगी वीडियोज और आकर्षक खूबसूरत वीडियोज लाते रहते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हमारे काउंटडाउन के 5वें नंबर का अंडा जो है, उसे सुन के आप सोच में पड़ जाओगे कि ये भी अंडा देती हैं। जी हाँ, तो 5वें नंबर पे एक शार्क का अंडा है जो कि आप देख सकते हैं। आप लोग इस सोच में तो पढ़ ही गए होंगे कि शार्क भी अंडा देती है या फिर बच्चा पैदा करती है। तो हम आपको बता दें कि शार्क की 70% प्रजाति बच्चे देती हैं और 30% प्रजाति ऐसी भी होती हैं जो अंडा देती हैं। आप इस अंडे के अंदर बच्चे को हिलते हुए देख सकते हैं। इनकी खास बनावट को आप देख सकते हैं, इन्हीं की वजह से इनका नाम मरमेड पर्सेज रखा गया है। पर शार्क इन अंडों को देने के बाद इनको अपने हाल पे छोड़ देती है। ये तकरीबन 12 महीनों के बाद बच्चा अंडों से बाहर आता है और ये बाहर आने के बाद अपना ख्याल खुद रखता है, क्योंकि इसकी माँ इसको छोड़ के जा चुकी होती है। तो हमारी अनदेखी दुनिया के 4वें नंबर पे अंडे देने वाली मछली का नाम है क्लॉनफिश एग। आपने इस मछली को तो देखा ही होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। आपने इस मछली को एक मूवी में देखा होगा जिसका नाम फाइंडिंग नीमो था। इस मछली की कुछ खास बातें आपको सुन के हैरान कर देगी। आपको हम बता दें कि ये मछली मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो हम आपको बता देते हैं कि ये मछली पैदा होने के साथ मेल होती हैं, पर वक्त पड़ने पे ये फीमेल भी बन जाती हैं। दरअसल होता यूँ है कि जब फीमेल मछली अंडे देते समय या फिर अंडे देने के बाद मर जाती है, तो उनके ग्रुप का जो भी जिम्मेदार नर होता है वो फीमेल में बदल के उन अंडों की देखभाल करता है। और आपको ये भी बता दें कि एक क्लॉनफिश एक बार में 100 से 1000 तक अंडे दे सकती हैं। तो नंबर 3 की बात करें तो यह एक मेढक का अंडा होता है जिसका नाम सरीनम टोडेक्स होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह खुद में ही एक अलग ही खास किस्म का मेढक होता है। आपने इससे पहले कभी ऐसा मेढक देखा नहीं होगा या फिर इस प्रजाति का। ये मेढक बहुत ही खास होता है, देखने में भी सारे मेढकों से अलग होता है। इस मेढक का साइज बड़ा नहीं होता बल्कि चपटा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस मेढक की एक खास बात और बता दें कि जहां मेढक अंडे देने के बाद पानी में छोड़ देती हैं, पर यह मेढक अंडे देने के बाद अपनी पीठ के स्किन के अंदर डाल लेती हैं। आपको समझ नहीं आया तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में जब ये अंडा देती हैं तो मेल मेढक सारे अंडों को मादा मेढक के पीठ पे बने छेद में डाल देता है और वह स्किन धीरे धीरे ऊपर से ढकने लगती है। जब तक बच्चे पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते तब तक वह मादा के स्किन के अंदर ही रहते हैं, और जब बच्चे पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो वह मादा की स्किन को फाड़ के बाहर निकल आते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पर घबराइए नहीं, ये मेढक मरती नहीं है। इस मेढक की स्किन भी दूसरी सांपों की स्किन के जैसे जल्दी दूसरी नई स्किन आ जाती है। और हमारे काउंटडाउन पे 2वें नंबर पे जो अंडा है उसको देख के आप तो यह बोलोगे ही नहीं, यह एक अंडा है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो जो आपको दिख रहा है, जो कि एक शो पीस जैसा दिख रहा है, वह एक अंडा है। यह अंडा हॉर्न शार्क का होता है। यह शार्क अपने अंडे को देने के बाद अपने मुंह में दबा के समुद्र के तली में जाके नीचे छुपा देती है और वहां से चली जाती है। यह उसकी देखभाल करने के लिए वहां नहीं रुकती। जब इस अंडे से शार्क बाहर निकलती है तो उसको अपना ध्यान खुद ही रखना होता है। इस अंडे को बहुत ही कम लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि यह समुद्र के तली पे मिलती है और यही वजह है इसको ज़्यादा लोग नहीं देख पाए। आपको यह अंडा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं हम अपने आखिरी मछली की तरफ, जिसका अंडा देने का तरीका अनोखा है। इस मछली का तरीका बहुत ही अलग है। यह मछली एक बार में 200 से 300 तक अंडे दे सकती है,
पर खास यह नहीं है, खास तो कुछ और ही है। दरअसल होता यूँ है कि फीमेल मछली अंडों को देने के बाद उसको मेल मछली के मुंह में रख देती है और मेल मछली अंडों को मुंह में लेके उसकी देखभाल करता रहता है जब तक कि उसमें से बच्चे ना आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेल मछली अगर ऐसा करती है तो वो खाती कैसे है। तो हम आपको बता दें कि मेल मछली तब तक कुछ नहीं खाती जब तक उसमें से बच्चे बाहर ना आ जाए। तब तक मछली अगर मर भी जाए तो भी बच्चों को बाहर आने तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये थी आज की हमारी अंडों को लेकर एक अलग ही अतरंगी वीडियो। तो आपको कैसा लगा वीडियो और कौन सा अंडा बिल्कुल अजीब और अलग ढंग का लगा जिसको देख के आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा अंडा नहीं देखा था पहले और कौन सा अंडा आपने पहले देखा हुआ था और कौन सा अंडा आपको बहुत ही अतरंगी और अजीब लगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में लेकर कुछ अजीबोगरीब रहस्यमय जानवरों के बारे में।